देश विदेशों में दिव्य दरबार लगाकर बागेश्वर महाराज ने अपनी शक्ति का परचम लहराया है। वहीं आए दिन उनकी कथाएं लगातार आयोजित होती रहती हैं। साथ ही हर कथा में उनका दिव्य दरबार भी लगाया जाता है। बता दें, विदिशा के बाद अब बागेश्वर सरकार का दरबार मोरवा में सज गया है। मोरवा में बागेश्वर सरकार की कथा का समापन 21 अप्रैल को किया जाएगा। सिंगरौली जिले के मोरवा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीमद् भागवत कथा वाचन करेंगे। ये कथा 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलेगी, जिसके चलते 14 अप्रैल को कलश यात्रा भी निकाली गई। वहीं आपको बता दें, 15 अप्रैल को श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आरंभ हुआ। इसके साथ कथा के अन्य दिनों में भीष्म स्तुति, परीक्षित जन्म, कपिलोपाख्यान, समुद्र मंथन, श्री राम और श्री कृष्ण जन्मोत्सव, श्री कृष्ण भगवान की बाल लीला आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा गोवर्धन पूजन, मौर नृत्य के साथ रुक्मणी विवाह उत्सव और 21 अप्रैल को श्री सुधामा चरित परीक्षित मोक्ष के साथ कथा का समापन किया जाएगा। 22 अप्रैल को हवन, पूर्णाहुति, प्रसाद वितरण एवं भंडारा होना सुनिश्चित किया गया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।